नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको अभिषेक बच्चन की नई फिल्म के बारे में जानकारी देने जा रहा हूँ। दोस्तों अगर आप अभिषेक बच्चन के प्रशंसक है तो आपके लिए ये न्यूज बहुत ही अच्छी है, आपको ये न्यूज बहुत ही अच्छी लगेगी। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं, अभिषेक बच्चन साहिल लुधियानवी का रोल प्ले करने वाले थे, मतलब संजय लीला भंसाली जो कि एक दिग्गज बहुत ही उम्दा डायरेक्टर प्रोड्यूसर है, वो एक साहिल लुधियानवी बायोपिक बनाने वाले थे। आज से 5 साल पहले की ये बात है, 5 साल पहले उन्होंने इसकी अनाउंसमेंट की थी और इस रोल के लिए अभिषेक बच्चन को साइन किया गया था, उनसे बात की गई थी। लेकिन दोस्तों किन्हीं कारणों से ये फिल्म नहीं बनाई जा सकी, इस फिल्म को एक बार बंद कर दिया गया था। लेकिन दोस्तों अब लेटेस्ट न्यूज ये है कि संजय लीला भंसाली फिर से उसी प्रोजेक्ट पर, मतलब साहिल लुधियानवी की बायोपिक बनाने जा रहे हैं। दोस्तों इस बारे में संजय लीला भंसाली के करीबी सूत्रों ने जानकारी दी है। और दोस्तों आपको भी बता दूं कि इस फिल्म को डायरेक्ट करेगी जसमीत रीम है, वो इस फिल्म को डायरेक्ट करेगी। और दोस्तों संजय लीला भंसाली इस फिल्म को प्रोड्यूस करने जा रहे हैं। दोस्तों सूत्रों ने यह भी बताया कि संजय लीला भंसाली की शुरू से ही ये च्वाइस थी, ये ख्वाहिश थी कि वो ये रोल जो साहिल लुधियानवी का जो रोल है वो अभिषेक बच्चन ही प्ले करे। और वो आज भी ये मानते हैं कि साहिल लुधियानवी का रोल के लिए संजय लीला भंसाली के अनुसार अभिषेक बच्चन ही बेस्ट च्वाइस है, फर्स्ट च्वाइस है, लास्ट च्वाइस है। तो दोस्तों आज भी इस रोल को अभिषेक बच्चन ही प्ले करने वाले हैं। और दोस्तों जल्दी ही इस फिल्म की अनाउंसमेंट हो सकती है। दोस्तों मैं आपको ये भी बता दूं कि साहिल लुधियानवी एक बहुत ही प्रसिद्ध शायर रहे हैं, बहुत ही बड़े गीतकार रहे हैं। और दोस्तों उनकी जिंदगी में कई तरह के उतार चढ़ाव रहे हैं। और दोस्तों इस फिल्म में उनकी लव स्टोरी भी दिखाई जाएगी, जो कि अमृता प्रीतम जो लेखिका थी, कवियत्री थी, उनकी और साहिल लुधियानवी की जो आपस में जो प्रेम कहानी है, जो रोमांटिक लव स्टोरी है, वो भी इस फिल्म में दिखाई जाएगी। तो दोस्तों वो पहले जब 5 साल पहले इस फिल्म का अनाउंसमेंट किया गया था तो उस समय अमृता प्रीतम का रोल प्रियंका चोपड़ा प्ले करने वाली थी। लेकिन दोस्तों अब इस प्रोजेक्ट से प्रियंका चोपड़ा को शामिल नहीं किया गया, किसी और हीरोइन को इस रोल के लिए, अमृता प्रीतम के रोल के लिए साइन किया जाएगा। दोस्तों आपको भी बता दूं कि दिवंगत एक्टर इरफान खान साहिल लुधियानवी का रोल प्ले करना चाहते थे, क्योंकि साहिल लुधियानवी उनके आदर्श है, वो उनसे बहुत ज्यादा प्रभावित थे। लेकिन दोस्तों संजय लीला भंसाली चाहते हैं कि साहिल लुधियानवी का रोल अभिषेक बच्चन ही प्ले करे। साथ दोस्तों आपको भी बता दूं कि अमिताभ बच्चन की क्लासिकल फिल्म यश चोपड़ा द्वारा निर्देशित फिल्म कभी कभी, जिसमें अमिताभ बच्चन ने एक शायर का रोल प्ले किया गया था और उसमें अमिताभ बच्चन तथा राखी की एक रोमांटिक लव स्टोरी भी दिखाई गई थी। तो दोस्तों वो जो अमिताभ बच्चन वाला रोल था वो साहिल लुधियानवी से ही प्रेरित था। तो दोस्तों शायद इसीलिए संजय लीला भंसाली ने सोचा होगा कि जो यंग साहिल लुधियानवी है उसके रोल में अभिषेक बच्चन सबसे फिट बैठेंगे। तो दोस्तों संजय लीला भंसाली इस बारे में पूरी तरह से कंफर्म्ड है कि वो जब भी ये फिल्म बनाएंगे तो इस रोल के लिए साहिल लुधियानवी का रोल अभिषेक बच्चन ही प्ले करेंगे, क्योंकि ये संजय लीला भंसाली की फर्स्ट और अंतिम च्वाइस है। मतलब आज भी संजय लीला भंसाली यही सोच रहे हैं कि अगर साहिल लुधियानवी का कोई रोल सबसे अच्छा प्ले कर सकता है तो वो अभिषेक बच्चन ही है। तो दोस्तों आपको ये जानकारी कैसी लगी आप कमेंट करके अवश्य बताइएगा। साथ ही दोस्तों जैसे ही इस फिल्म के बारे में और अपडेट आती है और जैसे ही मेकर्स की तरफ से इस फिल्म की अनाउंसमेंट होती है, मैं आपको अपने चैनल पर अवश्य जानकारी दूंगा। तो दोस्तों अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद, टेक केयर।